भैया बहुत जबरदस्त दिख रही है यार। हेलो गाइज, मैं हूं अमित। गाइज, यहां पर ये जो बाइक आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर हमने लगाया था ट्रक का टायर काफ़ी बड़े साइज़ का, जो कि अभी तो हमने हटा दिया है, और वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी थी। और आज हम क्या करेंगे, इस बाइक के अंदर दो की जगह लगा देंगे चार टायर। जी हां दोस्तों, पहला टायर, दूसरा टायर और दो टायर पीछे लग जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं किस तरीके की जो बाइक है चलती है और किस तरीके की दिखती है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी यहाँ पर लगने वाली है, तो प्लीज़ एक लाइक हमारी मेहनत के लिए कर दीजिए यार। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर है हमारी बाइक, और यहाँ पर हमने तीन एक्स्ट्रा टायर आप देख सकते हैं निकाल करके रखे हुए हैं, जिनको हम लगाएंगे दोस्तों इस फ्रेम के अंदर। तो अब जो है सबसे पहले जो सबसे पिछला टायर है उसको फिट कर दे हैं आराम से। तो भाई यहाँ पर हमने जो पीछे वाला टायर है उसको लगा दिया है इसके अंदर, और दो टायर इसमें और लगाने बाकी हैं। तो अब चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर जो है हमें होल बनाना पड़ेगा ताकि हम जो टायर है उसको लगा सके। और भाई ये जो टायर है इसके अंदर लगेगी चेन, तो इसको लगाते हैं अंदर की तरफ में। और भाई यहाँ पर लगा रहे हैं हम इसका चैन, जिससे कि जो है बाइक को पावर मिलेगी। लॉक लगा दिया? लॉक नहीं लगाया अभी। चैन में जो है एक लॉक लगता है जिससे जो चैन है वो हटती नहीं है। तो भाई अब करते हैं इस बाइक के ऊपर पेंट, जिससे कि इसका जो लुक है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारी बाइक की फाइनल लुक, और आप लोग देख सकते हैं यार पीछे से जो है बाइक कितना जबरदस्त लग रही है। पीछे के जो तीनों टायर हैं वो एक लाइन के अंदर हैं, और वो जो है यार इसको एक अलग ही लुक दे रहे हैं यार। आप देखिए कितनी जबरदस्त लग रही है ये। और अगर इस साइड से भी आपको दिखाऊं तो देखो यार कितनी लंबी हो गई, मेरे हिसाब से लगभग 11-12 फीट के आसपास इसकी टोटल लेंथ हो गई होगी। और यार देखो एकदम अलग ही पीछे के टायर दिखते हैं। आधी बाइक जो है वो नॉर्मल दिखती है, लेकिन पीछे वाली जो है वो एकदम अजीब दिखती है। हमने जो है पीछे सीट भी लगाई है यहाँ पर, और साथ ही साथ में जो पूरा फ्रेम है इसको पेंट किया है सिल्वर पेंट, और यहाँ पर जो पिलर्स हैं उनको ग्रीन कलर का पेंट दिया है। और अगर इस वाली साइड से मैं आपको दिखाऊं तो भी आप देखिए यार क्या खतरनाक लुक इसका लगता है। और पीछे का जो टेल लाइट है वो भी देखो यार किस तरीके से दिख रही है दोस्तों। तो पूरी बाइक का लुक एक बार मैं आपको सामने से भी दिखाना चाहूंगा। इधर से यार आप लोग देखिए, ऐसा लगता है कि जो बाइक है वो कितनी लंबी है, उसमें कितना एक्सटेंशन है। तो अब जो है आपको ये चला करके दिखाते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना यार। तो भाई अब दिखाते हैं आपको इस बाइक को चला करके, और साथ में सेफ्टी भी जरूरी है तो हेलमेट पहन लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। और भाई मुझे जो है अलग सी फीलिंग आ रही है इसको स्टार्ट करते टाइम भी यार, क्योंकि सीटें बहुत लंबी है। भाई चल गई ये तो एकदम बढ़िया से। सारे टायर जा रहे हैं गड्ढे में ना, और यार एकदम नॉर्मल चल रही है। और भाई इसको जो है ना लोग बाग देखने लगते हैं। मैं वही आपको बोल रहा था कि जो भी आता है वो देखता ही जाता है। Thank you.
भाई अब बैठते हैं तीन लोग और भाई मैं बैठूंगा पीछे, तो पकड़ो लगा लो ड्राइवर को भी चलाएगा। चलो देखते हैं यहाँ बैठ के कैसी फील आती है। चला चला चला। और दोस्तों कहाँ बैठा हूँ, पहली बार बाइक से पीछे बैठा हुआ हूँ, वो भी सीट के ऊपर एकदम कंफर्टेबल। दोस्तों जब ये चलती है ना तो यार देखो कितना जबरदस्त इसका लुक लगता है यार पीछे से। भैया बहुत जबरदस्त दिख रही है यार, खासकर जो पीछे का टायर है ये वाला। चढ़ गई चलने दो। भाई हमने इस बाइक को बहुत चलाकर टेस्ट कर लिया, अलग अलग तरीके से पीछे बैठ के आगे बैठ के हर तरीके से जो बाइक है वो परफेक्ट चलती है। सिर्फ जो आगे वाला हैंडल है वो बहुत हैवी हो जाता है क्योंकि पीछे तीन टायर एक लाइन में है, तो जब इसको हम घुमाते हैं ना तो वो टायर थोड़ा सा रगड़ सकता है जब घूमती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हैवी हो जाता है। और पीछे का ये जो लुक है ना यार, ये जो है बहुत बेहतरीन दिखता है। तो भाई अगर आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और भी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।